और अल्मोड़ा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। हादसे के जो पीड़ित हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीड़ितों की हर संभव जो मदद है उसका ऐलान भी किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अल्मोड़ा हादसे पर ये दुख जताया है और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है क्योंकि अभी भी वहां पर लगातार जारी है, सीधे उस बारे में जानकारी हम लेते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अजीत राठी। अजीत, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? क्या सभी घायलों को इलाज दिया जा चुका है? क्या सभी को इवैक्यूएट कर लिया गया है वहां से? देखिए, ये सुबह तकरीबन 8:30-8:15 बजे के आसपास की घटना है और इस घटना में अभी तक 36 लोगों की मृत्यु का एक अधिकृत पुष्टि हो चुकी है। कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत बता चुके हैं कि 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 15 लोग रामनगर में जो हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में वहाँ पर उपचार के लिए वहाँ रखे गए हैं और 4 लोगों को जो बहुत गंभीर घायल हैं, बहुत गहरी इंजरी जिनको है उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में लाया गया है और एक को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो ये और इधर सरकार की तरफ से संबंधित अधिकारियों को जो इसके ट्रांसपोर्ट के अधिकारी हैं एआरटीओ दोनों तरफ, तो उनको दोनों को सस्पेंड करने के आदेश जारी हो गए। एआरटीओ को भी, पुलिस विभाग भी अपने जो आसपास के जो पुलिस चौकी और थाने हैं उनकी चेकिंग करा रहा है कि कितने दिन से वहाँ चेकिंग अभियान नहीं चला है। फिलहाल कुल मिलाकर बहुत बड़ा हादसा है यहाँ पर। बड़ा ये हादसा, निश्चित रूप से 36 लोगों की मौत हो चुकी है जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया अजीत राठी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अल्मोड़ा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। हादसे के जो पीड़ित हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीड़ितों की हर संभव जो मदद है उसका ऐलान भी किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अल्मोड़ा हादसे पर ये दुख जताया है और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है क्योंकि अभी भी वहां पर लगातार जारी है, सीधे उस बारे में जानकारी हम लेते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अजीत राठी। अजीत, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? क्या सभी घायलों को इलाज दिया जा चुका है? क्या सभी को इवैक्यूएट कर लिया गया है वहां से? देखिए, ये सुबह तकरीबन 8:30-8:15 बजे के आसपास की घटना है और इस घटना में अभी तक 36 लोगों की मृत्यु का एक अधिकृत पुष्टि हो चुकी है। कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत बता चुके हैं कि 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 15 लोग रामनगर में जो हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में वहाँ पर उपचार के लिए वहाँ रखे गए हैं और 4 लोगों को जो बहुत गंभीर घायल हैं, बहुत गहरी इंजरी जिनको है उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में लाया गया है और एक को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो ये और इधर सरकार की तरफ से संबंधित अधिकारियों को जो इसके ट्रांसपोर्ट के अधिकारी हैं एआरटीओ दोनों तरफ, तो उनको दोनों को सस्पेंड करने के आदेश जारी हो गए। एआरटीओ को भी, पुलिस विभाग भी अपने जो आसपास के जो पुलिस चौकी और थाने हैं उनकी चेकिंग करा रहा है कि कितने दिन से वहाँ चेकिंग अभियान नहीं चला है। फिलहाल कुल मिलाकर बहुत बड़ा हादसा है यहाँ पर। बड़ा ये हादसा, निश्चित रूप से 36 लोगों की मौत हो चुकी है जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया अजीत राठी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।